स्टाफ की लापरवाही थी, खुला डला था गोदाम, ले जाएगा। काय के लिए लिए थे तुमने? अरे वो तो जेब में रख दिए पुलिस वालों ने। पुलिस वाले की ड्यूटी ऐसे थोड़ी होती है जो हर कोई आम आदमी हथियार लेके चल तुम जाओ। इसे कहते हैं चोरी और ऊपर से सीनाजोरी। पिछले दिनों आगरा के सिकंदरा थाने के शस्त्रागार से चोरी हुए हथियारों का ये शख्स एकमात्र दोषी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इसने आत्मसमर्पण किया है। अब जरा इसी की जुबानी सुनिए कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके लिए वो पुलिस थाने के शस्त्रागार पहुंच गया और बिना डरे उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया। यहाँ पे मेरी बीवी रहती है सिकंदरा, वो मेरे बच्चों को लेकर भगाई, डेढ़ साल से यहाँ रह रही थी। उनको मैं तुमने रमेश बाबा का नाम भी चोरी कर लिया, रमेश चंद्र रख लिया अपना नाम, रमेश बाबा के आश्रम में रहे, नाम भी चोरी कर लिया। बीवी का क्या करना है तुम्हें? मेरी बीवी यहाँ पे सिकंदरा रह रही थी, मैं अप्रैल डेढ़ महीने से चक्कर काट रहा था, होमगार्ड वगैरह में कभी पेट्रोल के लिए पैसे ले लेते, कभी एप्लीकेशन में पैसे ले लेते, ड्यूटी सिखाने के लिए मैंने ये कदम उठाया सर। ना मैं चोर हूँ, ना मैं कोई डकैत हूँ, ना आकर बात हुई, मैंने चीज इनकी ले गया तैसे तैसे मैं बना। हालांकि अब ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल तो अभी भी पुलिस की चौकसी पर है कि आखिर थाने में भी सुरक्षा भगवान भरोसे है क्या। इस पर सिटी एसपी बात टालते नजर आए और कह दिया कि दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सर इसे लापरवाही कहेंगे मिली भगत, इस संबंध में उनको निलंबित कर दिया गया है, उनके विरुद्ध जांच कर। बहरहाल पुलिस की कार्यशैली में सुस्ती का ये कोई नया मामला नहीं, लेकिन इस वारदात के बाद ये कहना मुनासिब होगा कि बार बार घटते अपराध पर पुलिस लगाम लगा पाने में असक्षम है, क्योंकि इस बार तो खुद पुलिस ही लुट गई। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com